किसान आंदोलन का आज 16वां दिन। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, किसान आंदोलन पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्वीट में जिक्र किया है। मेरे दो सहयोगियों ने किसानों की मांग पर विस्तार से बातचीत की है। नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की पीएम ने अपील की है। किसान आंदोलन के 16वें दिन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी लोगों से, उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सराहना करते हुए सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने की अपील करी। आपको बता दें, कल कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिटेल में कृषि कानून को लेकर बातचीत की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया था और आज इसका वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर सुनें। कृषि कानून को लेकर एक एक पॉइंट पर कल दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों ने बातचीत की है और डिटेल में बताया है कि आखिर इस कृषि कानून को क्यों लाया गया, इसके क्या फायदे हैं, फायदे गिनवाए गए। साथ साथ किसानों को खुले तौर पर ये अपील की गई है कि जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान करने को सरकार तैयार है।